पागल तो तू हो जाएगी दिदुम, जब तेरी हथेली पर मैं पैसे रखूंगी। बाड़ी का नियम पता है ना प्रतिमा, अगर तू बोलेगी तो ये सब भी बोलेंगे। बहुत अच्छे से पता है बाड़ी का नियम, पर तू पूछ यहाँ है कोई जो एक माँ से ज्यादा बड़ी कीमत चुका सकता है? है किसी में हिम्मत जो एक माँ को हरा सके? है कोई? है? कोई नहीं है दिदुर, इसीलिए कहते हैं ना, ताकत आजमानी हो तो भगवान से लड़ लो, शायद जीत जाओगे, लेकिन एक माँ से लड़ोगे तो हार पक्की है। और कौन से बाड़ी का नियम? यही ना, जो सबसे ज्यादा कीमत चुकाएगा वही ले जाएगा नीरजा को। तो सबसे ज्यादा कीमत मैंने लगाई है और मैं ले जा रही हूँ मेरी नीरजा को। अरे 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 अरे, पहले पोषा फिर नीरजा। घबरा मत तू दिदुल, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि आज इस प्रतिमा को दुर्गा माँ ने रास्ता दिखाया है। चल, तुझे तेरे पैसे देती हूँ। ला दिखा दे, देखो तो। कौन बचाने आया है तेरी नीरजा को? ये है, ये देंगे तुझे पैसे। जो कीमत तक लगाने नहीं आ सका वो कितने कदम साथ चल लेगा प्रतिमा? लड़की देखी तक नहीं और 25 लाख देने के लिए तैयार हो गई। इरादा क्या है? ये शरीफों की यही बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, चाहे जितने भी काले हो जाए, ये चौकटा इस पर कालिक नहीं लगनी चाहिए। कहाँ से फंसा कर ले आई इसे? हर इंसान सौदागर नहीं होता दिदुन, कुछ मददगार भी होते हैं। पर तेरी गलती नहीं है, कभी इज्जत मिली होती तुझे तो किसी को इज्जत देती ना। इज्जत, इज्जत का ही सारा खेल है प्रतिमा। बाकी मैंने जो पैसे बोले हैं वो ये साहब 2 घंटे मिलाकर दे देंगे तुझे। दे दे, दिदुन को सिर्फ पैसों से मतलब है, कोई भी दे तो 2 घंटे है तेरे पास। पैसा दे और लड़की ले। ये तुमने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने? तुम इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, और अंदर वो लोग भी ठीक नहीं। तुम यहां नहीं रहोगे, ओके? इन लोगों के बीच में तुम घर चलो मेरे साथ। घर? हाँ, घर जाएंगे ना हम, नहीं तो तुम्हें ये लोग फिर से ये कपड़े और ये ज्वेलरी पहनने के लिए बोलेंगे। देखो, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी खूबसूरती है, मैं ये सब निकाल देता हूं। बुला उसे, जिसने कहा कि पोषा भगवान नहीं होता, और उसे भी बुला जिसने कहा कि भगवान से कम भी नहीं होता। दिदुन, मेरी मान तो तू एक तिजोरी और ले ले, अब पैसों की ऐसे ही बौछार होने वाली है तुझ पे। विजय, अबीर की खुशी के लिए हमने हाँ तो कर दी है, लेकिन उसकी शादी, वो जो भी नकली शादी जो भी होगी, उससे पहले हमें अनाथ आश्रम की मैनेजर या जो भी हेड है उससे मिलना है। हिमा सीधा नीरजा से क्यों नहीं मिले थे? नहीं विजय, क्योंकि कई बार पेड़ को देख करके समझ आ जाता है कि फल कैसा होगा, और तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे लिए परिवार और संस्कार क्या मायने रखते हैं। तो कल शाम को उन्हें घर बुला लो, हम उनसे बात करेंगे। Okay.
कैसे संभालूं अब इस सिचुएशन को।